सबसे आगे योद्धा के तौर पर डॉक्टर और कर्मी, सरकार के कई कर्मी, पुलिस और ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए, खासतौर पर जो अस्पताल में मरीजों के इलाज करने वाले लोग हैं, वो अपने आप को सुरक्षित रखना भी उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। वो सब स्वस्थ रहे, ये हमारी चिंता भी है। जैसा अपने सेना के हर सैनिक को हम स्वस्थ देखना चाहते हैं, सुरक्षित देखना चाहते हैं, ताकि वो हमारी सुरक्षा करें। आज देश की नागरिक, देश की जनता, ये सभी डॉक्टर, सभी हेल्थ कर्मी, सैनिटेशन के कर्मी, वर्कर्स और पुलिस कर्मी, सभी एक तरह से शुक्रिया अदा कर रही है। और दूसरे और उनको सुरक्षित देखने की उनसे सेवा, देश की सेवा और ज्यादा वो कर सके, उसकी तरह की जनता आज उम्मीद कर रही है। उनका सेवा देश से है, देश घर के खिलाफ लड़ाई है, युद्ध जैसे हालात है, दृश्य दुश्मन का सामना कर रहे हैं, गलत जी जी मेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लगातार जो कदम सफल में जिस चीज का जिक्र किया था कि ये वॉर लाइक सिचुएशन ही तो है, युद्ध जैसे हालात है और ये सेना के जो सूबे है वो अलग अपनी जगह काम कर रहे हैं। कोरोना की योद्धा भी सूबियों सेना से कम तो है नहीं, लेकिन कर्नाटक को मैंने जिस चीज का जिक्र किया कि एक अदृश्य दुश्मन, अदृश्य ताकत है कोरोना जिसके खिलाफ हमला है, ये तस्वीर कुछ अदृश्य ताकत देगी कोरोना वॉरियर से, उस अदृश्य दुश्मन से लड़ेगी। देखिए ऐसा है, जब भी देश के ऊपर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, और हमने तो मेरे ख्याल से अपने जीवन में ये पहली बार देखा है कि जो पूरा विश्व इस पैंडेमिक से जूझ रहा है, और भारत जो दुनिया का सबसे नंबर दूसरा आबादी के लिहाज से देश है, घनी आबादी है, 1.4 बिलियन पीपल यहाँ रह रहे हैं, और आप सब उनको एक घर में बैठने के लिए पीछे 40-45 दिन से बताया गया ताकि लोगों की जान बच जाए, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, ऐसा आप पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखेंगे। उससे पहले आपने स्पेनिश फ्लू आया था, वो 100 साल पहले आया था, तो ये अद्भुत ये जो स्थिति पैदा हुई है इसके लिए आपका सलूशन ढूंढने पड़ेंगे, ताकि देश का मनोबल बढ़ना रहे, ताकि देश ये सोचे कि हम इस लड़ाई में भी एक साथ है, एक जुट कर काम कर रहे हैं। नहीं पता लगा ना कि सबसे बड़ी दवाई करीब हमने तैयार की है, एक तो वो जब हमने ताली ताली वगैरह बजाई पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है कोरोना से, कहा जा रहा है सितंबर में, अक्टूबर में।
खाली खाली भी है, फूल भी है, पूरा देश एकजुट भी है, और इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भाई भारत लड़ कैसे रहा। तो इस कोरोना की छड़ी बन के रुक रही है, कोरोना के संकट काल में भारत की भारत ने और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो नेतृत्व किया है और उस नेतृत्व के पूरे 130-135 करोड़ की देश की जनता ने जो किया है और हर वर्ग से जो समर्थन मिला है, आज प्रदेश सरकार से जो इसमें कई विपक्ष दलों की द्वारा चलाने वाले सरकार में है, इसके बावजूद भारत के इतिहास में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है। ऐसे समय भी नहीं मिली है जो 60 के दशक में 70 के दशक में जब एक ही पार्टी की सरकार पूरे देश में रहते थे, तब भी इस प्रकार का समर्थन, इस प्रकार का नेतृत्व भारत में नहीं कर सका। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इसमें एक स्मॉल पॉक्स की जो वायरस थी देश में 25 साल तक इस वायरस हमको सताता रहा और पूरे विश्व से ये गायब होता रहा 50-60 के दशक। लेकिन भारत में 1974 में 74 में 15,000 लोग मारे गए, 65,000 लोग इसके जाने के ग्रस्त हो गए, तब पूरे विश्व से गायब हुआ था, लेकिन हम आखिर देश से इस वायरस से लड़ने में और उनके विश्व की सहायता से आज आप विश्व को एक तरह से नेतृत्व दे रहे हैं। तभी एक भारत की छवि में जो विश्व में अंतर आई है, मैं मानता हूँ कि अभी तक शायद चर्चा का विषय नहीं है कई लोगों के लिए, लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर होगा। मैं खुद इसको लिख रहा हूँ क्योंकि जो जो भारत में उस समय बिना विदेशी सहायता के, विदेशी फॉरेन एक्सपर्ट्स के सहायता के बिना और उनके आर्थिक सहायता के बिना जो अपने हेल्थ बनाए नहीं रख सकती थी, जब पूरे भारत में कांग्रेस की सरकारें हुआ करते थे, आज भारत ने एक नया रूप पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। ये मैं मानता हूँ ये हम सबको गर्व महसूस करने वाली सरकार का एक दृश्य है। अमित,